Hello friends, welcome back to another exciting video because I am here with updates regarding the Arcade Facilitator Season 2 program, and the update is that Swag's milestone is now clear and revealed to us. World Cloud Community के official page पे reveal कर चुका है और मैंने भी इसकी update अपने community post पे कल रात को update कर दी थी, but I was unable to create a detailed video क्योंकि कल रात को देर हो चुकी थी जब ये information आई. अब मैं आपको पूरी एक detailed information दे रहा हूँ क्या क्या changes है, क्या है ये Swag's milestone, what is the Swag's milestone, और अभी तक जो हम स्टूडेंट माइलस्टोन देख रहे थे वो इससे कैसे अलग है. बिकॉज अभी तक हमारे हमें बताया गया था कि माइलस्टोन है वो आर्केड स्टूडेंट पॉइंट्स के बारे में है, एंड फॉर कंप्लीटिंग दोज माइलस्टोन वी वर गेटिंग बोनस पॉइंट्स. सो यस, ये जो पहले अभी स्टूडेंट्स माइलस्टोन चल रहा था वो बोनस पॉइंट्स रिगार्डिंग था. ऑन कंप्लीटिंग दीज माइलस्टोन यू वाज गेटिंग द बोनस पॉइंट्स, द आर्केड बोनस पॉइंट. आपको अभी तक ये कंप्लीट करने पे आर्केड के बोनस पॉइंट मिल रहे थे विच आर अल्टीमेटली यूजफुल फॉर क्लेमिंग द स्वैग्स. एंड स्वैग्स का अब माइलस्टोन क्लियर हो चुका है, वो हमारे सामने विजिबल है. तो ये स्वैग्स का माइलस्टोन डिफरेंट है स्टूडेंट के माइलस्टोन से. कैसे डिफरेंट है जल्दी से बात कर लेते हैं. वंस अगेन, स्टूडेंट माइलस्टोन कंप्लीट करने पे आपको आर्केड के बोनस पॉइंट्स मिल रहे थे. अब यही बोनस पॉइंट हम यूज करेंगे अपने स्वैग्स को क्लेम करने के लिए. तो स्वैग्स कैसे क्लेम करेंगे, कितने स्वैग्स पे कितना क्या क्या मिल रहा होगा, कितने पॉइंट्स पे क्या क्या मिल रहा होगा, वो सब चीजें थोड़ा हमें क्लियर होनी स्टार्ट हो गए हैं. तो जल्दी से कम्युनिटी पेज को ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट माइलस्टोन इज रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड माइलस्टोन, देन द एडवांस, द प्रीमियम एंड द प्रीमियम प्लस. सो हमें फोर माइलस्टोन्स देखने को मिले हैं. फोर माइलस्टोन्स आर देयर दिस टाइम, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज की और भी माइलस्टोन रिवील हो, बट अभी हमारे पास फोर माइलस्टोन है, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस. सो इट्स ऑल्सो क्लियर to that the minimum arcade points required to collect our goodies and swags are 15 arcade points. कम से कम 15 arcade points हमें चाहिए ताकि हम गूगल की स्वैग्स एंड गुडीज को रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सके. अगर 15 से कम होंगे आपके पास तो आप एक भी स्वैग्स और गुडीज को क्लेम नहीं कर पाएंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट मिनिमम 15 आर्केड पॉइंट्स. ओके, सो हाउ दिस पॉइंट सिस्टम इज गोना वर्क, हमें 15 आर्केड पॉइंट्स पे कितने स्वैग्स मिल रहे होंगे, कैसे हम क्लेम करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस सीजन गुडीज. ओके, तो ये प्रीवियस सीजन का गुडीज का रेफरेंस ले रहा हूँ. वंस अगेन, इट्स फॉर द रेफरेंस पर्पस. हो सकता है इस बार स्वैग्स कंप्लीटली डिफरेंट हो, काफी ज्यादा मिले, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस आई एम यूजिंग दिस इमेज. ओके, तो प्रीवियस सीजन में कैसा था, फॉर द स्टैंडर्ड माइलस्टोन देयर वाज सम स्वैग्स, फॉर द एडवांस माइलस्टोन देयर वाज सम गुडीज, एंड फॉर द प्रीमियम एंड द प्रीमियम प्लस देयर वाज सम प्रीमियम गुडीज. ओके, तो हम किसी भी एक माइलस्टोन को क्लेम कर सकते थे रिगार्डिंग द पॉइंट्स. हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं उसके रिगार्डिंग हम कोई भी एक माइलस्टोन हम क्लेम कर सकते थे, और उस माइलस्टोन के अंदर जितने भी रिवॉर्ड्स आएंगे वो सब हमें मिल रहे थे. ऐसा नहीं कि कोई हम एक रिवॉर्ड को चूज कर पाएंगे, नहीं, अगर आपके पास उस माइलस्टोन के रिगार्डिंग मिनिमम आर्केड पॉइंट्स हैं तो वो सारे के सारे स्वैग्स एंड गुडीज आपको मिल रहे होंगे जितने भी उस माइलस्टोन के अंदर लाइक करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव मिनिमम 15 आर्केड पॉइंट्स देन द ऑल द स्वैग्स अंडर द स्टैंडर्ड माइलस्टोन विल बी आर्स. हम सारे के सारे स्टैंडर्ड माइलस्टोन के स्वैग्स अपने लिए क्लेम कर पाएंगे अगर हमारे पास मिनिमम 15 आर्केड पॉइंट्स हैं. बट फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 25 आर्केड पॉइंट्स, नॉट 30, 30 इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द एडवांस माइलस्टोन, बट हमारे पास 25 आर्केड पॉइंट्स हो पाए सीजन के एंड होने तक, तो क्या होगा, देन यू विल बी लाई इन द स्टैंडर्ड माइलस्टोन, यू विल बी गेटिंग द स्वैग्स वर्थ ऑफ 15 आर्केड पॉइंट्स, एंड 10 आर्केड पॉइंट्स विल बी वेन. आपके वेस्ट हो जाएंगे वो 10 आर्केड पॉइंट्स क्योंकि आप सिर्फ स्टैंडर्ड माइलस्टोन में क्लेम करते हैं. तो 15 आर्केड पॉइंट्स पे जितने के जितने स्वैग्स मिल सकते हैं सिर्फ वही मिलेंगे, बाकी के 10 आपके आर्केड पॉइंट वेस्ट हो जाएंगे. आपको 30 आर्केड पॉइंट्स मिनिमम चाहिए ताकि आप एडवांस माइलस्टोन के स्वैग्स एंड गुडीज को क्लेम कर सके. वंस अगेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज माइलस्टोन, तो जैसे जैसे आप माइलस्टोन में चेंज होंगे, जैसे जैसे आप अपग्रेड होंगे, वैसे वैसे आपको ज्यादा प्रीमियम स्वैग्स देखने को मिलेंगे, प्रीमियम गुडीज देखने को मिलेगी, और ज्यादा अमाउंट में गुडीज देखने को मिलेंगी. इट्स क्लियर? ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लेम एज मेनी एज पॉइंट्स. ओके, आप जितने से ज्यादा इतने आर्केड पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें. आपके पास 27 सितंबर तक का टाइम है, और इस आर्केड पॉइंट्स को क्लेम करने में आपका कौन हेल्प कर रहा होगा, तो आपको स्टूडेंट माइलस्टोन आपको ज्यादा से ज्यादा आर्केड पॉइंट्स क्लेम करने में हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा फाइनल प्रीमियम माइलस्टोन है स्टूडेंट्स का, उसमें आपको 25 बोनस पॉइंट्स स्ट्रेट गिव अवे किए जा रहे हैं. अगर आप फोर्थ माइलस्टोन में रीच करते हैं तो आपको डायरेक्ट 25 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, यानी आपको बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज है. इसलिए आपको स्टूडेंट माइलस्टोन पे भी फोकस करना है अपने आर्किट पॉइंट्स को क्लेम करने के लिए, और इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर लाइंग इन द 65 और द प्रीमियम प्लस माइलस्टोन एंड यू हैव 65 आर्किट पॉइंट्स, then you will be eligible to claim the swags from the only premium plus milestone. ऐसा नहीं है कि बाकी सारे milestone के भी आपको मिलेंगे, नहीं, आपको सिर्फ एक milestone के ही swags and goodies मिलेंगे, आप सिर्फ एक milestone के ही claim कर सकते हैं. But
यू विल बी गेटिंग द ऑप्शन टू क्लेम फ्रॉम द प्रीमियम माइलस्टोन आइदर एडवांस या स्टैंडर्ड। अगर आप प्रीमियम प्लस में लाइक कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कोई एक चूज कर लें, बट ऑफ कोर्स हम प्रीमियम प्लस का ही स्वैग्स एंड गुडीज क्लेम कर रहे होंगे क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी की हमें गुडीज मिलेंगी और ज्यादा अमाउंट में भी मिलेंगी। लेकिन फिर भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप प्रीमियम चूज करना चाहते हैं क्या या एडवांस चूज करना चाहते हैं स्टैंडर्ड। किसी भी एक को चूज कर सकते हैं अगर आपके पास 65 आर्केड पॉइंट्स हैं। सेम अगर आपके पास 30 आर्केड पॉइंट्स हैं तो आप या तो एडवांस माइलस्टोन क्लेम कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड माइलस्टोन क्लेम कर पाएंगे। ओके ओके यस सो यस आई होप आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ में आया होगा कि कैसे पॉइंट सिस्टम वर्क कर रहा है। एंड देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग दिस। अनलॉक मोर गेट मोर, नो मैटर विच माइलस्टोन यू अनलॉक योर एफर्ट्स विल बी रिवॉर्डेड। फॉर इंस्टेंस विद 16 आर्केड पॉइंट्स यू विल ग्रैब द स्टैंडर्ड माइलस्टोन, रैक अप टू 37 आर्केड पॉइंट्स यू विल अनलॉक द एडवांस माइलस्टोन। वही बात बताई गई है कि अगर आपके पास मान लीजिए 37 आर्केड पॉइंट्स हैं देन आप एडवांस माइलस्टोन में ही लाइक करेंगे, वो 7 आर्केड पॉइंट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि आप अभी 45 वाले आर्केड माइलस्टोन में नहीं रीच कर रहे हैं। ओके सो ओनली यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम फ्रॉम एडवांस एंड स्टैंडर्ड माइलस्टोन। ओके ओके क्लिक ऑन द रॉन्ग बटन आई गेस। स्क्रॉल डाउन, द नेक्स्ट वन इज द नो स्ट्रेस जस्ट प्ले, फॉरगेट अबाउट पॉइंट्स, बजटिंग फोकस ऑन हैविंग फन। यस आपको सीखने पे भी फोकस करना चाहिए, सिर्फ आर्केड पॉइंट्स पे नहीं, क्योंकि आपको वो काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने लैब्स के थ्रू, तो उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। एंड बिगर माइलस्टोन बिगर रिवॉर्ड्स, ईच माइलस्टोन ब्रिंग अ न्यू सेट ऑफ स्वैग्स, सो द मोर यू अचीव द मोर यू कलेक्ट। तो आपके पास कोई भी पॉइंट्स लिमिट नहीं है, आपको अभी भी यहाँ पर चांसेस है कि न्यू माइलस्टोन रिवील हो जाए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स क्लेम करने हैं। वन मोर थिंग, अगर आपके पास 65 आर्केड पॉइंट्स आप अर्न कर भी लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि आपके न्यू माइलस्टोन रिवील हो तो आपके वो पॉइंट्स उसमें काम आ जाएं। तो आपके पास अगर चांस है तो आपको 65 आर्केड पॉइंट्स से ज्यादा क्लेम करने की कोशिश करनी चाहिए, बट 65 आर मोर देन सफिशिएंट बिकॉज़ यू विल बी गेटिंग ओनली प्रीमियम प्लस माइलस्टोन स्वैग्स एंड गुडीज। ओके सो यस आई कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देयर, यू कैन चेक दिस फॉरम, यू कैन चेक देयर रिव्यूज एंड चेक देयर पॉइंट सिस्टम। वन मोर थिंग, देयर इज अपडेट एंड यस let me show you that image, so you can read this FAQ, are facilitator milestone different from the arcade milestone। तो आपको ये summary read करके आपको पूरा idea मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या बात की है, थोड़ा सा एक clear vision मिल जाएगा, तो आप ये वाला image भी check कर सकते हैं। so that's it, मैंने सारी important information इसमें clear कर ली है, cover कर ली है, सारी की सारी चीजों का important जितने भी link है सबके link description box में मिल जाएंगे, जाके जल्दी से claim कर सकते हैं, जाके जल्दी से check कर सकते हैं। once again trivias के solution मेरे channel पे upload हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक trivias complete नहीं किए तो वो भी जाके complete कर ले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा arcade point it means ज्यादा से ज्यादा swags and goodies। ओके तो जल्दी से क्लेम कर ले, जल्दी से वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छे से इस बात में कोई भी डाउट नहीं रखना है कि ये क्या है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेक श्योर यू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। वंस अगेन ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके थैंक यू वेरी मच, इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।